हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं ब्रिजवासी गर्ल। कैसे आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है वो सनस्क्रीन लगाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उन्हें लगता है अगर हम सेंसिटिव स्किन पर कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमें एक्ने पिंपल्स हो जाएं, हो सकता है रैसेस पड़ जाएं। तो सेंसिटिव स्किन वाले अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करने से भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो आज की वीडियो में सेंसिटिव स्किन के लिए 3 सनस्क्रीन लेकर के आई हूँ जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए ही बनाई गई हैं और डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है तीनों ही और फ्रेगनेंस फ्री हैं। बहुत ही लाइट वेट है, आपकी स्किन पर किसी भी तरह का हार्म नहीं करेंगी। आपकी स्किन सेंसिटिव है तब तो यूज़ कर ही सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स इसका यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी क्यों है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो सनस्क्रीन हमारी स्किन को काला होने से बचाती है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम से बचाती है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं, ये तो हर कोई चाहता है हमारी स्किन वाइट हो, हमारी स्किन के टोन कुछ लाइट हो। तो जब आप अपनी स्किन की टोन को कुछ लाइट करने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते भी हैं लेकिन सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे, तो हो सकता है उन प्रोडक्टों से आपकी स्किन कुछ टोन लाइट हो जाए लेकिन सनस्क्रीन ना यूज़ करने की वजह से, वो सन रेसेस की वजह से आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है। तो ये एक तरह से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं फेयरनेस क्रीमों के जो आप यूज़ करते हैं। तो आपको सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करनी चाहिए हर उम्र में, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, हर किसी के लिए सनस्क्रीन मस्ट होती है। आप फेयरनेस क्रीम बाद में यूज़ करिए, पहले यूज़ करिए सनस्क्रीन। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए 3 मस्ट सनस्क्रीन जो कि आपकी स्किन को किसी भी तरह से हार्म नहीं करेंगी। फर्स्ट है न्यूट्रोजीना सनस्क्रीन जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बनाई गई है। ये आपको UVA से और UVB से प्रोटेक्ट करती है, SPF 60 के साथ आती है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से इसको बनाया गया है, फ्रेगनेंस फ्री है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ऑयल फ्री है। 88 ml का प्रोडक्ट आपको 1900 में मिल जाता है, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा और आप बड़े किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको मिल जाए। सेकेंड है लोटस हर्बल मैट जेल SPF 50, ये आपको 50 SPF के साथ मिलता है, ये भी आपको UVA से और UVB से प्रोटेक्ट करता है, फ्रेगनेंस फ्री है, बहुत ही लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, आपकी स्किन को बिल्कुल ही चिपचिपापन आपकी स्किन पर नहीं आपको फील होगा। काफ़ी सेंसिटिव स्किन वालों को ये भी प्रॉब्लम रहती है जब वो कोई भी क्रीम बेस सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो ऑयल के कारण आपको एक्ने पिंपल्स होने लग जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये सीरम बेस में आता है। 100 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 295 रुपीज़ में इजीली ये किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पर भी अवेलेबल रहता है, आप चाहे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसके अलावा ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। तो अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से इसका प्राइस सही है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब बात करते हैं अपनी 3rd सनस्क्रीन की, ये है स्पेक्ट्राबन सेंसिटिव स्किन सनस्क्रीन, 30 ग्राम के ट्यूब में आती है ये और 250 इसका प्राइस है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए ही बनाया गया प्रोडक्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पर कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा, आपकी स्किन को बिल्कुल ही नेचुरल है। तो आप चाहे तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप अफोर्ड कर सकें, तीनों ही बेस्ट हैं आपकी स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए ही हैं, ऑल स्किन टाइप तो खैर इसको यूज़ कर ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जुड़ा हुआ कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा।